हत्थे चढ़े जीआरपी पुलिस के। इटारसी से भूसावल के बीच चलने वाली ट्रेन से यात्रियों के मोबाइल फोन चुराने वाले दो शातिर चोरों को जीआरपी पुलिस ने धर दबोचा। जबलपुर जीआरपी टीआई मंजीत सिंह के मुताबिक दो भाइयों बादशाह अहिरवार और रामचंद्र अहिरवार निवासी भान तलैया जबलपुर को सीडीआर के आधार पर गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, तो उन दोनों ने चलती ट्रेनों से मोबाइल चुराना कबूल किया। जिनके कब्जे से एक दर्जन से अधिक मोबाइल, जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख की है, बरामद कर कार्रवाई की है। जबलपुर से सुनील सेन के साथ यतेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। पिछले महीने 17 तारीख को कटनी भुसावल पैसेंजर से एक व्यक्ति का बैग चोरी हुआ था, जिसमें उसके दो मोबाइल थे, सैमसंग और वीवो के। उसके अपराध की विवेचना के दौरान जब इनकी सीडीआर प्राप्त की गई, तो ये स्थानीय जबलपुर में ही ये मोबाइल पुनः दूसरे नंबर पर चलना पाया गया। उस आधार पर ट्रैकिंग करके जब संदेह को हिरासत में लिया गया, तो ये दो भाई हैं, एक बादशाह अहिरवार और दूसरा रामचंद्र अहिरवार, जो भानतलैया के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से जो है ये चोरी के दोनों मोबाइल बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनसे जब पूछताछ की गई, तो इन्होंने ट्रेनों से ही चोरी किए गए अन्य मामलों में भी खुलासा किया, जो इनके कब्जे से कुल 13 मोबाइल, जो सभी टच स्क्रीन के हैं और सैमसंग, वीवो और ओप्पो के अच्छे मोबाइल हैं, जो कीमती करीब 1.5 लाख रुपए के, ये भी इनसे जब्त किए गए हैं। और इनके IMEI नंबर से अब इनकी सर्च की जा रही है कि इनके जो चोरी के मुकदमे हैं जबलपुर में या अन्य थानों में जहाँ भी दर्ज होंगे, उनमें इनको शामिल किया जाए। नहीं, ये पहली बार ही लाइट में आए हैं, बिल्कुल पहला ही अपराध है इनका, और पहली बार में ही ये अब लाइट में आने के बाद इनसे इतना माल बरामद हुआ। ये ट्रेन में, चलती ट्रेन में ही जो बैग था वो पार कर देते थे और अगले स्टेशन पे उतर जाते थे, या गाड़ी जैसी स्लो या फास्ट होती हो तत्काल उतर के भाग जाते थे।